हार्ट वाल्व सर्जरी। आजकल बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं हार्ट का वाल्व क्या होता है, उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, कौन सा चीज भी रिप्लेस किया जाता है, कौन सा आर्टिफिशियल वाल्व है। मैं आपको पहले से ये बता दूं कि हार्ट के अंदर चार वाल्व है, दो ऊपर एक आयोटिक एंड पल्मोनरी और दो नीचे माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड। ये दोनों वाल्व जो है ये दो चार चैम्बर के अंदर अंदर है। बाई तरफ का ऊपर एक एट्रियम चैम्बर है, नीचे जो वेंट्रिकल चैम्बर है, ये दोनों के बीच में जो है वो माइट्रल वाल्व है। दाएं तरफ में जो है ऊपर का वो राइट एट्रियम, नीचे का राइट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। और इसमें जो वाल्व है वो एओर्टिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। ये सारा शरीर में खून जाता है, एक लंग्स में जाता है और सारे शरीर में जाता है। ये वाल्व में जब खराब हो जाता है तो ऐसा होता है कि वाल्व जो भगवान ने बनाया उससे अच्छा वाल्व आज तक नहीं बन पाए। ये वाल्व सिर्फ ऊपर से नीचे और ये दोनों वाल्व में नीचे से ऊपर खून जा पाएगा, उससे अलग उल्टा रास्ता में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ये ऊपर से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन खराब होने के बावजूद होने से ये दोनों ऐसा ही होता है, ऊपर से नीचे जाना मुश्किल हो जाता है या तो ज्यादा वापस आता है। यहीं भी वही होता है, वो नीचे से आ नहीं सकते, ऊपर से वापस जाता है। ये दोनों को पलट के जब हम नया वाल्व लगाते हैं वही है वाल्व सर्जरी। और बहुत सारे किस्म का अभी वाल्व आ गए हैं, उसको लगाते फिर हार्ट वाल्व कर देते, तो बंद करने के बाद जो जैसा था पहले का वैसा ही हो जाएगा।